वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे पालक पनीर की रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए होगी पालक। पालक को आपको पहले बॉईल करके और मिक्सी में ग्राइंड करके रख लेना है, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ आपको क्या करना है। पालक छांटनी है, उसको कट करना है, उसके बाद उसे बॉइल करना है थोड़ी देर के लिए, या कुकर में सीटी लगवा दे और मिक्सी में ग्राइंड करके रख लें। तो ये मैं रख चुकी हूँ, ये एक बाउल है। और हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगी कटी हुई प्याज, कटी हुई अदरक, कटे हुए लहसुन और कटी हुई मिर्च, धनिया, तेल चाहिए होगा। और ये मैंने टमाटर प्योरी रख ली है, आप चाहे तो कटे हुए टमाटर भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने कॉर्नफ्लोर यूज किया है, ये मैं ग्रेवी के लिए यूज करूंगी। हींग, मसालों में हमने यूज करना है जीरा, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और आपका ये गरम मसाला। और आपको पनीर रख लेना है, पनीर के टुकड़े काट के रख लेने हैं, ये हम बाद में फ्राई करेंगे। पर फिलहाल हम इसको तड़का लगाते हैं आपकी पालक को। सबसे पहले आपको क्या करना है, कढ़ाई रख देनी है गरम होने के लिए। उसमें आप 2 टेबलस्पून यूज कर सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग, जो अगर कम तेल खाते हैं तो कम यूज कर लें। सबसे पहले तेल गरम होने पर आपको उसमें जीरा डालनी है, जीरा डालने पर लहसुन, हरी मिर्च, इसके बाद थोड़ी सी अदरक, इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दें। लहसुन अगर आप हर सब्जी में यूज करते हैं तो लहसुन के गुण बहुत ज्यादा है, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए, कफ के लिए, लीवर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए लहसुन आपको हर सब्जी में यूज करना चाहिए। लहसुन के बाद अब आप इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, अच्छे से प्याज को गोल्डन ब्राउन होने दें। ध्यान से देखिएगा ये रेसिपी, क्योंकि अगर आप आलू पालक बनाना चाहते हैं तो उसमें भी सेम ही चीज यूज होती है एक्सेप्ट पनीर। नमक थोड़ी सी डाल दीजिए ताकि वो जल्दी पक जाए। ग्रेवी गाढ़ी रहे इस वजह से मैं इसमें थोड़ी सी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर यूज कर ले रही हूँ। मैंने तड़के में इसलिए डाली है ताकि वो अच्छे से भून जाए, कच्ची ना रहे। आप लोग चाहें तो बाद में भी वाटर ऐड करके भी डाल सकते हैं। दो से तीन मिनट तक भूनने दें इसे। पकने पर अब इसमें आप हल्दी डाल दें, और अब हम इसमें कटे हुए टमाटर या फिर टमाटर की प्योरी यूज करेंगे, क्योंकि ये अच्छे से भुन चुका और स्मेल कर रहा है। याद रहे टमाटर की प्योरी आपने ज्यादा अमाउंट में यूज करनी है। मैंने एक बाउल यूज किया है। इसे अच्छे से भूंजे, इसमें भी 2-3 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, अच्छे से पकाएं इसे 2-3 मिनट का वेट करते हैं। अब देखिए आपके ये टमाटर प्योरी भी रेडी हो चुकी है, ग्रेवी भी बन गई है। और गाढ़ा करने के लिए आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर और यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें पालक की प्योरी डालूंगी इस तरह से। एक दो उबाली आनी दे इसमें भी। इसमें एक दो उबाली आ जाएगी तो आप हींग डाल दें खुशबू के लिए, स्वाद अनुसार अपने अकॉर्डिंग। और फिर इसमें आपने डालनी है रेड मिर्च स्वाद अनुसार और आपका गरम मसाला।
और ये आपकी पालक पनीर की जो ग्रेवी है वो तैयार है। इसे पकने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। अब अच्छे से चाहे तो आप वाटर ऐड करके भी इसे ढक सकते हैं। हमने इसमें वाटर ऐड करना है अब ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब आप इसे ढक लें, 15 से 20 मिनट तक पकाएं। जब तक आपकी पालक की प्योरी पकती है तब तक हम एक साइड में आपके पनीर फ्राई कर लेते हैं। आपको तेल गर्म होने को रख देना है या रिफाइंड, ये गर्म हो चुका है, मैं ऑलरेडी रख चुकी हूँ। और इस तरह से आपको इसमें शरीर के टुकड़े डाल देने हैं इस तरह से। ठीक है, जब एकदम गर्म हो जाए तो आपको इसे टर्न कर देना है इस तरह से। बट अभी हुआ नहीं है, वेट कर लेते हैं। पलटने का विधि बता देती हूँ, ऐसे इस तरह से। और भी मैं टुकड़े डाल देती हूँ तब तक। अब हम चेक कर लेते हैं, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनकी सॉफ्टनेस बरकरार रखने के लिए हल्के गोल्डन ब्राउन भी आप निकाल लेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे इस तरह से। ये मैंने निकाल लिए हैं पनीर। अब हम देख लेते हैं हमारी ये प्योरी रेडी हो गई है या नहीं। देखिए ढक्कन उठा लिया है मैंने। ये देखिए गाढ़ी हो गई है ये। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे लास्ट में। अगर आपको और गाढ़ी करनी है ये तो थोड़ी देर और पकने दें ताकि पनीर भी और सॉफ्ट हो जाएंगे। कम से मैं इसे 5 मिनट तक रखूंगी कम से कम। वेट करते हैं थोड़ा सा। अभी से 15 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार है आपका ये। अगर आपको और गाढ़ा करना है तो और पका सकते हैं, और अगर आपको पतला चाहिए तो आप वाटर ऐड कर सकते हैं। हम इसे अब सर्व कर लेंगे। गैस बंद कर दी है मैंने। ये निकाल लिया है मैंने। धनिया पत्ता के साथ इसे गार्निश करें। तो ये देखिए आपका पालक बनाने की रेसिपी बिल्कुल तैयार है और इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पालक की। कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो सजेस्ट जरूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।